हाई YouTube, दिस इज देव एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और आज चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने होगो रोमो बजीज की प्रोग्रेस। ठीक है, पहला ब्रीड किया था एंड फर्स्ट ब्रीड में फीमेल ने जो है 4 eggs ले करे थे, 2 fertile थे, 2 infertile थे और उसमें से एक बेबी निकला है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इवन दो जो मेरे पेयर है उस पेयर में से एक स्पैंगल सिंगल फैक्टर स्पैंगल है और दूसरा जो उसमें फीमेल लगी हुई है उसमें वो डबल फैक्टर स्पैंगल है, लेकिन उन्होंने रेड आइज बच्चा निकाला है, रेड आइज भी अल्बाइनो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बच्चा दिख कैसे रहा है एंड इसके पीछे का लॉजिक कैसा है। एक दो स्पैंगल लगा के कैसे रेड आइज बच्चे निकल सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट मी शो यू द वीडियो। पेयर जो है इसके अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मेल ये रहा ब्लू कलर का सिंगल फैक्टर स्पैंगल और फीमेल वो रही। फीमेल जो है आपको क्रीमिनो टाइप लग रही होगी, बट क्रीमिनो हम इसको तब तक नहीं कह सकते जब तक इसके रेड आइज नहीं हुए। ठीक है, तो जो फीमेल है उसके ब्लैक आइज है। तो उसको अगर देखिए, अगर कोई क्रीम कलर का या येलो कलर का या वाइट कलर का बर्ड होता है एंड अगर उसकी आइज रेड होती है तो उसको रेड आइज कहा जाता है। आई एम सो सॉरी गाइज, हुआ ये था कि वीडियो बनाते बनाते जो मेल एंड जो फीमेल है, मेल एक्चुअली उड़ गया था। ठीक है, फीमेल अब यहाँ पे देखिए बाहर आ गई है, इसकी रेड आइज नहीं है, इस फीमेल की जो है ब्लैक आइज है। ठीक है, थोड़ी डरती है ये फीमेल एंड इसने बच्चा रेड आइज निकाल दिया। और रेड आइज में भी जो है क्या निकाले इसने, रेड आइज में भी इन्होंने निकाले अल्बाइनो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई बर्ड क्रीम कलर का है या वाइट कलर का है या फिर येलो कलर का है और उसकी आंखें रेड है तो उसको रेड आइज बोलते हैं, जैसे अल्बाइनो, क्रीमिनो या लुटिनो। लेकिन वही अगर ब्लैक आइज में होता है तो उसको डबल फैक्टर स्पैंगल कहा जाता है। ठीक है, वो जो मेल है मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यार ये बंद करूँ सही से। ये जो मतलब जो मेरा मेल है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिंगल फैक्टर स्पैंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पैंगल मार्किंग्स दिखती हैं और डबल फैक्टर स्पैंगल में बर्ड जो है एक ही कलर का हो जाता है, उसमें स्पैंगल मार्किंग्स नहीं दिखती हैं। इन दोनों ने मिलकर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने एक ये रेड आइज बच्चा निकाल दिया। मैं आपको ये बच्चा जो है निकाल कर दिखाता हूँ, एक मिनट। ये हाँ, तो वही देखिए, देख रहे हैं, ये पूरा वाइट है, पूरा वाइट है एंड इसकी आंखें जो हैं वो लाल कलर की हैं। ठीक है, आईज रेड है, वैसे जो ये बर्ड है पूरा का पूरा वाइट कलर का है, देख ही सकते हैं आप। तो ये कैसे हो सकता है गाइस, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो मेरे पेयर की मम्मी पापा या फिर दादा दादी रहे होंगे, लच्छे की जो फीमेल की जो मम्मी पापा रही होंगे, लच्छे फीमेल में फीमेल की जो मम्मी या कोई डैड रहे होंगे, ठीक है, इनमें हो सकता है कि इनमें कोई, ठीक है, फीमेल के ब्लड लाइन चला हुआ आ रहा हो। साथ ही साथ में जो मेरा मेल है उसके पास भी एक सेम ही ब्लड लाइन, मतलब रेड आइज का ब्लड लाइन चलता हुआ आ रहा हो, तभी इन दोनों ने मिलकर जो है एक रेड आइज बच्चा निकाल दिया है, वो भी अल्बाइनो का निकाला है, जो कि आप यकीन नहीं मानेंगे एक अल्बाइनो की कीमत, अल्बाइनो होगोरोमो की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आपको शायद मैं दिखा ना पाऊँ, बट अगर मैं यहाँ पे इधर जूम करूँगा ना, मेरा कैमरा भी यार थोड़ा, अगर मैं इसके सर पे जूम करूँगा तो इसके सर पे जो है ये होगोरोमो वाली मार्किंग्स आने लग गई है, इसके फेदर्स भी ऐसे ही आएंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता ये सही से पाल पाए ना पाए, तो मैं इस बच्चे को जो है मैं हैंड फीडिंग पे उठा रहा हूँ आज से। ठीक है, ताकि ये बच्चा भी ठीक रहे एंड मेरे पेयर से मैं बाद में एक और ब्रीड ले लूँ, बट फिलहाल तो मैं उनको दे दूँगा थोड़ा रेस्ट। ठीक है, तो यही होता है कि यार आपको पता नहीं होता कि कौन सा बर्ड क्या निकाल दे आपके पास, स्पेशली बजीज में, क्योंकि यार इनकी ब्रीडिंग इतनी हो चुकी है कि इनके ब्लड लाइन में कहीं ना कोई अच्छी ब्लड लाइन, जैसे रेड आइज की या फेलोज की ब्लड लाइन जो है चलती हुई आती है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो ये पेयर है, अगर ये अल्बाइनो बच्चा ऐसे बड़ा होता है तो इस पेयर की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर अभी मैं बेचने जाऊँगा इस पेयर को तो मेरे को जो है 5,500-6,000 मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ब्रीडर लेता है मुझसे जिसको पता होगा कि इससे अल्बाइनो बेबीज निकलते हैं और भी अच्छे पेटल्स वाले, तो कहीं ना कहीं मेरे को 8 से 10 हज़ार रुपये भी मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, होगोरोमो अगर आप रखना चाहते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है,
आप उठा सकते हैं होगोरोमो रखने का, पालने का, क्योंकि कम लोग रखते हैं और ये एक्चुअली बजीज जितने तो होते ही हैं, लेकिन इनके बेबीज भी कम से कम आपको 1500 रुपीज़ के तो ये दिख ही जाते हैं। सो फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव या फिर देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप भी इनको रख सकते हैं एंड होपफुली आपके पास भी कुछ ना कुछ नायाब बर्ड्स ये आके निकालेंगे। खैर वीडियो तो यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे मुझे प्यार देते रहिए और देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी पेटिंग। बाय बाय।